स्वास्थ्य एवं अन्य कारणों से अभी बेल पर बाहर है, लेकिन एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ी। अरे भाई, जस करनी तस भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर दोषी है तो सजा हुई है, न्यायालय के फैसले का सम्मान करना सीख। नमस्कार, मैडम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसादव की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि चारा घोटाला मामला से संबंधित डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का जो मामला है, वो जब सीबीआई कोर्ट पहुंचा आज, उस मामले पर फैसला आना था, तो लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं 10 अकबर रोड, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर, जहां पर सराटा पसरा हुआ है, सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही मौजूद हैं। और जो कुछ कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, उनके चेहरे पर मायूसी दिख रही थी, लेकिन फिलहाल यहां सराटा पसरा हुआ है। आवास के अंदर तेजस्वी यादव मौजूद हैं, राबड़ी देवी मौजूद हैं, उनकी माँ है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और तेज प्रताप यादव भी फिलहाल पटना में ही हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक तरफ जहाँ मायूसी दिख रही है, वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में। और इस वक्त ही जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हालांकि जेडीयू की ओर से जो प्रतिक्रिया निकल के आ रही है, वो कह रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा कह रहे हैं कि जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है, यानी कि साफ साफ तंज कसना भी शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें फिर से बढ़ रही हैं। इस वक्त हम राबड़ी आवास में मौजूद हैं, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी पाया गया है। इससे पहले भी अन्य मामलों में वो दोषी पाए गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे भी रहे, स्वास्थ्य व अन्य कारणों से अभी बेल पर बाहर हैं, लेकिन एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। न्यायालय के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके समर्थक, उनके पार्टी के नेता फिर से एक बार वही स्क्रिप्ट सुनाएंगे कि अन्याय हुआ है, लालू प्रसाद यादव जी को फंसाया गया है, न्याय मिलना चाहिए। अरे भाई, जस करनी तस भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर दोषी हैं तो सजा हुई है, न्यायालय के फैसले का सम्मान करना सीख। तो आपने सुना जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा है। हालांकि सजा तो मुकर्रर 21 फरवरी को की जाएगी, तारीख जो दी गई है 21 फरवरी को दी जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव की सेहत खराब है, उन्हें फिलहाल अस्पताल में रखा जाता है या फिर जेल भेजा जाता है, क्योंकि फिलहाल वो कस्टडी में रहेंगे और उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। लालू प्रसाद यादव सहित 110 अन्य आरोपी हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है, और 21 फरवरी को लालू प्रसाद यादव को क्या सजा मिलती है उस पर बातें जो हैं वो साफ हो पाएंगे। फिलहाल हम राबड़ी आवास में मौजूद हैं, जहाँ की तस्वीर आप देखते हैं, कुछ और जो कार्यकर्ता हैं उनके चेहरे पर मायूसी दिख रही है। मैं भी लालू, तू भी लालू, पूरा देश है लालू, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब किनारों से, पोस्टर्स के साथ कार्यकर्ताओं के चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी दिख रही है। और लालू प्रसाद को क्या सजा मिलती है उसका फैसला 21 फरवरी को ही हो पाएगा। इस पर राबड़ी आवास पर क्या माहौल था वो हमने आपको दिखाया है। जेडीयू के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है इस पर, जो प्रतिक्रिया निकल के आई है, जो तंज कसा गया है वो हमने आपको सुनाया है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।